हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोग को मैं ये सिखाऊंगा कि आप लोग फोटो को पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूँ, इसमें जो है मैंने एक ऐप की मदद से आप लोग को बताया। ठीक है, फोटो जो है यहाँ पर आपको प्ले स्टोर में आना है। अगर आप लोग बिना किसी एप्लीकेशन से करेंगे तो उसमें क्या है कि एक एक फ़ोटो का पीडीएफ आप बना पाएंगे। अब मैं मल्टीपल फ़ोटो करना भी बताऊंगा कि मल्टीपल फ़ोटोज़ को कैसे पीडीएफ में बनाएंगे, और सिंगल फ़ोटो को भी पीडीएफ में बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले उस ऐप का मैं आपको नाम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इमेज टू पीडीएफ ऐसे लिखना है आप लोगों को, और सिंपली सर्च कर देना है। ठीक है, प्ले स्टोर पर सर्च करना है। यहाँ पर आपको देखिए, सिंपली यहाँ पर पाँचवें नंबर पर दिखा रही है एप्लीकेशन, यहाँ पर इमेज टू पीडीएफ। ठीक है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। विड लैब्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड की तरफ से ये एप्लीकेशन मतलब कि बनी हुई है। ठीक है, तो ये मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, इसको मैं सिंपली ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आप देख पा रहे कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको वेट करना है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता दूँ, यहाँ पे आपको नेट बंद करके रखना है। ठीक है, जैसे आप नेट बंद कर देंगे तो क्या होगा कि दोस्तों के जो ऐड लगे होते हैं ये ऐप की तरफ से, तो ये ऐड आपको नहीं दिखेगा, आप जल्द से अपनी इमेज को पीडीएफ में कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सिंगल फ़ोटो को कन्वर्ट करना सिखाता हूँ आप लोगों को कि सिंगल फ़ोटो को पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सिंपली प्लस वाले सिंबल पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट बाय पिक्चर्स, सेलेक्ट बाय फोल्डर। ठीक है, तो सेलेक्ट बाय पिक्चर के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ हैं। ठीक है, इन फ़ोटोज़ के मैं सिंपली यहाँ पे ले लेता हूँ, सिंगल फ़ोटो पहले मैं लेता हूँ। सिंगल फ़ोटो लेने के बाद डन के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर डन कर दिया। ये एक फ़ोटो का अब कन्वर्ट टू पीडीएफ के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए कुछ सेटिंग जो है, आपको इसमें कुछ भी सेटिंग नहीं करनी है। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि कंप्रेस इमेजेस, कंप्रेस का मतलब है कि फ़ाइल जो है लो क्वालिटी में हो जाएगी, लेकिन आपको ये छेड़खानी नहीं करनी है। इसमें फ़ाइल वैसे भी बहुत कम एमबी की बनती है। ठीक है, अब इसमें ज़्यादा आप कंप्रेस करेंगे तो ये क्या है, इमेज की क्वालिटी बेकार कर देगा। ठीक, तो इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी, सिंपली आपको उस पर बहकाइए। यहाँ पर कन्वर्ट टू पीडीएफ पे क्लिक किया, कन्वर्ट टू पीडीएफ के ऊपर क्लिक करना है। ये पीडीएफ क्रिएट हो चुका है। ठीक, ये ऐड चलेगा, ऐड को आपको कैंसिल करना है। अब यहाँ पे आपको ओपन करना है। ठीक, ओपन आपने किया, ये फ़ोटो आप देख पा रहे हैं इस तरीके से, ये पीडीएफ बन गया। ठीक है, ये पीडीएफ बन चुका है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ आप मल्टीपल फ़ोटोज़ को कैसे पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको प्लस वाले सिंबल पे जाना है, सेम वही प्रोसेस है सारा। पिक्चर्स में से जाइए, चाहे आप फोल्डर में चले जाइए। ठीक है, फोल्डर में इस तरीके से जाएंगे तो फोल्डर भी आ जाएगा। ठीक है, बाकी आप पिक्चर्स में आके यहाँ पर फ़ोटो पिक्चर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सपोज़ करिए यहाँ पर पिक्चर्स में सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे पिक्चर सेलेक्ट कर दे। ठीक है, पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद सिंपली ओके के ऊपर क्लिक कर दिया। यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ जो है मैंने 6 फ़ोटो सेलेक्ट कर ली। उसके बाद कन्वर्ट टू पीडीएफ के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आपने इस पर क्लिक किया, फिर उसके बाद कन्वर्ट टू पीडीएफ, ये फ़ाइल जो है कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ सेव कहाँ पर होगा। फाइल मैनेजर में जाना है, और यहाँ पर इंटरनल मेमोरी में जाने के बाद यहाँ पे एक नाम होगा इमेज टू पीडीएफ, इसके ऊपर क्लिक करना है। जो भी आप पीडीएफ कन्वर्ट करेंगे ये इस नाम से सेव हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे इसको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए सारी फ़ोटोज़ आ गई हैं। तो इस तरीके से आप लोग फ़ोटोज़ बना सकते हैं। ठीक है, फ़ोटोज़ को जो है इमेज को अपने पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आई, वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।